पूरा मामला है उसमें अब तक पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा। एक मिनट, 10 फरवरी की देर शाम को मंगलपुर इलाके में कुछ लड़के एक रेस्तोरा में बर्थडे पार्टी मनाने के लिए पहुंचे थे। उसी दौरान लड़कों के बीच में एक रेस्तोरा पुरानी रेस्तोरा बंद होने के विषय को लेकर के बिजनेस राइवलरी को लेकर के उनके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ और वहां पर से वो लोग फिर चले गए। उसके उपरांत इस एक रिंकू नाम का लड़का जो वहीं पर था उसके घर के पास में इस झगड़े में शामिल कुछ लड़के आकर के उसके इलाके के ही वो आकर उसके घर के पास पहुंचे और वहां पे दोबारा से एक लड़ाई झगड़ा और मारपीट होने लगा। उस मारपीट के दौरान युवक रिंकू को चाकू से चोट लगी और दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना पर पुलिस ने तुरंत FIR दर्ज करके इससे संबंधित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इसमें आगे की तफ्तीश जारी है। सर, परिवार की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि जय श्री राम का नारा बोलने पर हत्या की गई, इसमें कितनी सच्चाई है? हम लोग परिवार वर्ग के साथ संपर्क में हैं और अब तक की तफ्तीश में जो पता चला है कि शुरुआती घटना की शुरुआत उस बर्थडे पार्टी की लड़ाई झगड़ा से हुई थी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम तमाम चीजों को जांच कर रहे हैं।